अरे चाउमीन मोमो खाएंगे नेपाल में बस जाएंगे। अरे चाउमीन मोमो खाएंगे नेपाल में बस जाएंगे। ठीक है। अरे भैया चाउमीन मोमो जी खाएंगे नेपाल में बस जाएंगे। अरे चाउमीन मोमो जी खाएंगे नेपाल में बस जाएंगे। ठीक है। अरे चाउमीन मोमो जी खाएंगे। आपने बहुत अच्छा किया जो इस रेडियो को आपने ऑन किया। ये रेडियो काफी सालों से बंद पड़ा था। अरे यार तुम चाय भी बनाओगे, रेडियो में घुसे रहोगे, चाय बनाओ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना काम, सुनाता हूँ आपको खूबसूरत नगमे और साथ ही सुनाऊंगा आपको एक कहानी मेरी जुबानी, जिसका नाम है मारो गोवा। मारो गोवा को शुरू किया था जॉनी भाई ने गुड्डू नेहा भूरा और इनो के साथ, और इसमें उनकी मदद की थी उनके दोस्त खंडेलवाल ने अपनी हाईवे की जमीन उन्हें देकर। ये है गुड्डू, ये है मारो गोवा के इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर वेटर और भी बहुत कुछ। ये है नेहा, इनके काम के बारे में बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्होंने काम किए कम हैं और बिगाड़े ज्यादा हैं। ये है भूरा, मारो गोवा के पंचिंग बैग, कुछ भी गड़बड़ होती है तो मारा भूरा को ही जाता है। ये है इनो, इनो जॉनी भाई की दूर की रिश्तेदार हैं पर रहती हमेशा पास ही हैं। और ये है हमारे जॉनी भाई, जिन्होंने हिम्मत दिखाई है इन खोटे सिक्कों को बाजार में चलाने की। देखते हैं ये खोटे सिक्के कितना चलते हैं। मार क्यों रिया, ऐसे ऐसे कर। बल लिया उसे, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। मारो गोवा में दिन शुरू होता था इंतजार से। जैसे ही कोई गाड़ी आकर रुकती, सभी लोग भागकर ऐसे बाहर आ जाते जैसे कोई बारात आई हो।
कहते हैं ना, रेगिस्तान में बारिश इतनी आसानी से नहीं होती। फिर वो उदास चेहरे लिए अगली गाड़ी आने का इंतजार करते। कस्टमर न आने की वजह से थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग भी की गई। मारो गोवा का नंबर लिखकर पर्चे बांटे गए, इसीलिए सब उस नंबर पर कॉल आने का इंतजार करने लगे। वो फोन के सामने बैठकर कॉल आने का ऐसे इंतजार करते थे जैसे रामायण के जमाने में पूरा मोहल्ला टीवी के आगे बैठ जाता था। की मुराद पूरी होती, फोन तो आते थे मगर फोन के अंदर ले जा। जी माँ जी, मारे कौन से बोल रहा हूँ जी। हाँ हाँ जी जी हाँ, बताइए हैं क्या चीज। अरे यार, ये सलमान नाई की दुकान नहीं क्या? अरे भाई, ये सलमान नाई की दुकान नहीं है, मैं मारुगा रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ भाई साहब। हैं? अरे यार, सलमान नाई की दुकान नहीं है ये, साला मैं तुम्हें नाई दिख रहा हूँ। अंदर चले जा, अंदर कुछ काम देख ले। और ऐसे ही इनके दिन रात रात दिन निकलते जा रहे थे। और बची कुची उम्मीद खंडेलवाल के कॉलेज प्रोजेक्ट बंद होने से खत्म हो गई। चुपचाप खाना खा। पानी लाया कोई? पानी लाया कोई? साले काम चोर पानी तक लेके नहीं बैठते। पूरा घुसल ले मुंह में, काला खाते में पानी रख मिलता तुम लोगों को। कहा खाना खा, खाना खा।
कैसे निकला? तू बाहर कैसे निकला? तू बाहर कैसे, किससे पूछ के बाहर निकला? तू बाहर कैसे निकला? तुझे तो मैंने घर में दफनाया था ना, तू बाहर कैसे निकला? इतना गहरा गड्ढा खोदूंगा कि पाताल के राक्षस भी तुझे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तुझे इतना गहरा गड्ढा खोद के दफनाऊंगा, तांत्रिक नाश कर देगा तेरा। तांत्रिक नाश कर देगा। तांत्रिक नाश कर देगा। मरोगे तुम सब मरोगे। आठू, तू ऊपर क्या कर रहा है? तेरा कटा सर तो मैंने नीचे गाड़ा था, तू ऊपर कैसे पहुंच गया? आठू, ऐसे करना नहीं आ रहा है। मैं बता रही हूँ कैसे कर रहा हूँ। वो कह रहा था, अरे तू ऊपर कैसे पहुंच गया? तेरा कटा सर तो मैंने नीचे गाड़ा था। आठू, अरे बुद्धू फिर से देख, ऐसे नहीं कर रहा था, वो कह रहा था आठू। कैसे हंस रहा, क्या हो गया है, क्यों हंस रहा है? मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ हंस रहा था। अबे जानवर अच्छे है तुमसे, खाना खाते वक्त आठू। बदनाम है कोई, किसी को खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। जब से रेस्टोरेंट खोला है ना, 15 दिन हो गए, एक भी कस्टमर नहीं आया। ऊपर से इतने मनहूस गाने गा रही है कि कस्टमर आने वाला होगा तो नहीं आएगा। एक तो इतनी गंदी आवाज है इसकी, ऊपर से भैया गाने गाती है। किसी को खबर, ये कौन आ रहा है? चुप बैठ। लगता है कस्टमर है। अबे दिन में तो कोई आता नहीं है, रात में कौन कस्टमर आए? जाइए।
रेस्टोरेंट है। हाँ रेस्टोरेंट है। खाना मिलेगा? खाना? और कुछ लेंगे सर मीठे वगैरह में? रात बहुत हो गई है, यहाँ रात को रुकने की व्यवस्था है? 1000 रुपए लगेंगे। मेरे रूम में 2 बियर की बोतल भेज देना। बियर के 1000 रुपए और होंगे। और कुछ? मुझे यहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई नहीं करेगा, आइए। अबे जल तो रहा है। अबे यार वो आदमी कितना अजीब था। तुम्हें तो हर आदमी अजीब ही लगता है। नहीं वो सच में कितना अजीब था, देखा नहीं खाना खाया और सीधे सोने चला गया। अच्छा नहीं तो तेरे साथ बैठ के लूडो खेलता। नहीं यार जब मैं उसे बियर देने गया था तब। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बियर फिर क्या यार, मैंने उसे बता दिया मैं बच्चा थोड़ी ना हूं। वो भी बेचारा सोच रहा होगा किस चूतिया से पाला पड़ा है। जानी भाई कुछ आदमी आया है, काफी अजीब है ना, ऐसे चलता है।
अजीब बुरा को जानती है? बाहर बैठा हुआ है चूतिया। गुड्डू को जानती है? गुड्डू को अपने आप को देख ले। अजीब तुम चारों से ज्यादा कोई आज तक मैंने अजीब नहीं देखा। चल जल्दी। अरे क्या हुआ ओए बुरा? अरे उसे उठा ले यार रात वाले कस्टमर को। ये रखा हूं। दिन निकल गया है पूरा यार, 12 बजने जा रहे हैं। खाना वाना खाएगा नहीं खाएगा? नाश्ता वास्ता करेगा? ये रखा हूं। जा 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 क्या गुड्डू उठा ले यार, देख ले फटाफट क्या हो रहा है। क्या क्या खेल कर रही है बेटा? कुछ काम वाम देख ले। गोवा की कहानी अभी बाकी है। बाकी की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा एपिसोड 2 में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, खुदा हाफिज। ओके, टाटा, बाय बाय।